घर में निकला 50 दांत वालों सा। जबलपुर में बर्तनों में छिपकर बैठा था वुल्फ स्नेक। दीवारों पर चढ़ना इसकी खासियत। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर के नेपियर टाउन में रहने वाले नायक परिवार के घर मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब खाना बनाते वक्त घर में सांप दिख गया। रोज की तरह संजना नायक किचन में काम कर रही थी, तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई दी। पलट कर देखा तो बर्तन स्टैंड में सांप बैठा दिखा। आनन फानन में संजना ने पति कल्पक नायक को फोन लगाकर इसके बारे में बताया। घर में सांप निकलने पर सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को बुलाया गया। गजेंद्र ने बर्तन के स्टैंड में बैठे सांप को देखा और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे पकड़ लिया। सर्प विशेषज्ञ की बात सुनकर हैरान रह गए सभी। सर्प विशेषज्ञ ने बताया कि इस सांप को वुल्फ स्नेक के नाम से जाना जाता है। इसके 50 दांत होते हैं जो कि आरी जैसे नुकीले होते हैं। इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि जो भी शिकार इसकी पकड़ में आता है वह दोबारा इसके मुंह से नहीं छूट पाता। ये क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वुल्फ स्नेक और हिंदी में बोलते हैं गनेता। ये सर्प जो है रत्ती भर भी जहरीला नहीं होता है और इसकी ग्रिप जो है इतनी तेज रहती कि ये चिकनी दीवार पर भी चढ़ सकता है। इस वुल्फ स्नेक का प्रिय भोजन छिपकली, मेंढक और चूहे हैं। घर की दीवारों पर भी आसानी से चढ़ जाता है। बारिश के समय इसका ठिकाना दीवारों या फिर बिल होते हैं। इंग्लिश में वुल्फ स्नेक और हिंदी में गनेता के नाम से जाने जाने वाला यह सांप प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। चूहे, छिपकली, मेंढक खाकर यह सांप प्रकृति को संतुलन में रखता है। हालांकि धीरे धीरे इन सांपों की संख्या में कमी भी जरूर आ रही है। गजेंद्र दुबे ने बताया कि लोग सांप को देखते ही मार डालते हैं, हालांकि ये जहरीला नहीं होता है। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। ये क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वुल्फ स्नेक और हिंदी में बोलते हैं गनेता। ये सर्प जो है रत्ती भर भी जहरीला नहीं होता है और इसकी ग्रिप जो है इतनी तेज रहती कि ये चिकनी दीवार पर भी चढ़ सकता है।